हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 152 का कई बार इस्तेमाल कर रहा है चाहे वो बाबरी मस्जिद केस हो या फिर पेरारी को रिलीज़ करना हो ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से आर्टिकल 142 पर क्वेश्चन पूछे जाना ऑलमोस्ट सर्टेन होता है आइए जानते हैं आर्टिकल वन क्या है आर्टिकल 142 का टाइटल है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एट्सट्रा और इसमें दो क्लॉजेज हैं आइए देखते हैं आर्टिकल 142 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है फर्स्ट क्लॉज कहता है सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए ऐसा ऑर्डर या डिग्री पास कर सकता है जो नेसेसरी है फॉर कम डूइंग कम्प्लीट जस्टिस चाहे वो कोई भी मैटर हो पेंडिंग बिफोर इट क्लॉज ये भी कहता है कि ऐसा ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल में पास करेगा इट शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आइए देखते हैं आर्टिकल 142 का सेकेंड क्लॉज क्या कहता है ये क्लॉज कहता है सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास करे फॉर द दर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन या फिर फॉर डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट ऑफ़ एनी कंटेम्प्ट आइए ब्रीफ़ में जानते हैं आर्टिकल 142 की हिस्ट्री क्या कहती है जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके प्लेस किया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तब आर्टिकल 142 का एक्चुअल नंबर था आर्टिकल 118। वन एट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 27 मई 1949 को रखा गया था फॉर डिबेट बट ये अडॉप्ट हो गया था सेम डे को विदाउट एनी डिबेट इसका पॉसिबल रीज़न ये है कि एवरीबडी अग्रीड इन ऑर्डर टू एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री यानी सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी एम्पावर्ड विद्लीनरी पावर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं पेरारी पेरारीवलन का क्या केस था पेरारी पेरारीवर्लन ने मर्सी पेटिशन फाइल की थी तमिलनाडु गवर्नर को इन टू थाउजेंड सीकिंग रिलीज अंडर आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन

रिलीज ऑफ़ ऑल सेवन कन्विट्स इंक्लूडिंग पेरालीवलन लेकिन तमिलनाडु गवर्नर ने तमिलनाडु कैबिनेट के रिकमेंडेशंस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया टिल जुलाई 2020 जब मद्रास हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं डिसाइड की है फॉर द गवर्नर टू डिसाइड ऑन सच इश्यूज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को फेथ और ट्रस्ट था ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उन्होंने वार्निंग दी तमिलनाडु गवर्नर को मद्रास कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ सकता है इस मैटर में इसके बाद भी तमिलनाडु गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया इस मैटर पर और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी वॉर्न किया कि इट विल बी फोर्स टू तो रिलीज द कन्विक्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनऑर्डिनेट डिले फरवरी 2021 में गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने फॉरवर्ड कर दी रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू तो द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद तो टू डिसाइड लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि इनऑर्डिनेट डिले बाय द तमिलनाडु गवर्नर इन एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स अंडर आर्टिकल एक्सरसाइजिंगल इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू और उसने सेंटर के सबमिशन को भी रिजेक्ट कर दिया कि प्रेसिडेंट के पास ही एक्सक्लूसिव पावर है टू ग्रांट रेमिशंस इन केसेस पर आई पी सी विच डील्स विद मर्डर और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 फोर्टी इन्वोक करते हुए पेरारी वरन को रिलीज कर दिया आइए अब देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट इंस्टांसिस जब इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया है फर्स्ट इज़ भोपाल ट्रेजिडी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवॉर्ड किया था अ कंपनसेशन ऑफ फोर सेवेंटी मिलियन डॉलर्स टू द विक्टिम्स सेकेंड केस है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इन्वोक किया था थर्ड केस इज लीकर सेल बैन केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था लीकर शॉप्स को विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 500 हंड्रेड फ्रॉम द नेशनल और स्टेट हाईवेज ताकि ड्रंकन ड्राइविंग को कंट्रोल किया जा सके और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इनवोक किया है इन द केस ऑफ सेक्स वर्कर्स तो दोस्तों ये था आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स देते हैं थे। थैंक थे। यू